சும்னை வஃபாதார் மோஜி மெனிஷ்சான் சாயிலை சம்சார் மோஜி சபாதன் தாம்கோஷ் நாதன் சகை போஷ் ஃபத்தி ஃபத்தி हलमदार मोजी खुद कंपोज किया है अपनी धुन है मेरी सुलहमा रोशे रोशे वलो म्यान ओशे मदनो सुलहमा नै वनवस पननीस मदनस बकोन वनवस पननीस मदनस जाय जाय नॉलेज शुन काले करकूरज जकस करी हक स्वफा धरी नम हजरती हकस तम कफन वन दानस पे वाय पत फेरी मदन वारो कदमन बोल गई परी और 1986 में रिकॉर्ड हुआ पहली दफा रेडियो में रेडियो कश्मीर की युवा 1986 में मैंने गाना कंपोज किया से यू का छू नहीं वफादार मोजी मिनिशन साई लवी समसार मोजी रेडियो में भी मौजूद है टीवी में भी मौजूद है रियासी कल्चर एकेडमी में भी मौजूद है और उस वक्त के ऑडियो कैस्ट में अभी भी मौजूद है और यूट्यूब में भी मौजूद है अभी मेरी आवाज में। लेकिन कोई फनकार आ गया उसका क्या मकसद था, कहीं हाथ फैलाता था पैसों के लिए तो उसने रबाब अपने कंधों पर रखा के मल्टी मीडिया खिदमात में आपका खैर मुकदम। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि वक्तन फोक्तन हम अपने स्टूडियोज में मेहमान बुलाते हैं और मुख्तलिफ शख्सियात जो है वो यहाँ पर आते हैं और अपने ख्यालात का इजहार भी करते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने एक मेहमान को यहाँ पर मधु किया है। आपको बताते चले कि गुलुकारी की दुनिया से इनका जो है ताल्लुक है, गुलुकारी को इन्होंने एक रूह बख्शी है। काफ़ी वक्त पहले इनकी बात करें तो जो कुछ वक्त पहले एक कश्मीरी सॉन्ग जो है ट्रेंडिंग में रहा वफादार मोजी, पहला जो सिंगर है वो यही है जिनका नाम है अब्दुल गफार डार कानी हामी। और इसके साथ साथ हम ये भी बताते चले कि 1975 से इस गुलकारी की दुनिया से वाबस्ता हैं। मजीद इन्हीं से जानते हैं। अब्दुल गफ्फार साहब आपका बहुत बहुत खैर मुकदम है तामिल इरशाद में। शुक्रिया। अब्दुल गफ्फार साहब, बात करें गुलकारी की, सिंगिंग की, तो शुरुआत कहाँ से हुई? दरअसल शुरुआत मेरी जो हुई वो अपने ही घर से, अपने ही गांव से हुई, क्योंकि वहाँ ये मौसीकी का कल्चर ही था। वहाँ आते जाते थे बहुत फनकार और वहाँ फकीरों का आना जाना था, ऐसी महफिलें लगती थी। और मुझे भी ऐसा ही असर हुआ कि मैं उनकी महफिलों में जाता था और उनके सामने गाने की कोशिश करता था। अब्दुल गफ्फार साहब, गुलुकारी की बात करें, कहीं ना कहीं ये एक खुदा का एक तोहफा दिया हुआ होता है, जो एक मीठी आवाज़ होती हैं। और इसकी बात करें, आपने जैसा कि सदियों पहले ये काम जो है शुरू किया गुलुकारी का, और अब जो है अगर हम नई जनरेशन की बात करें, उस वक्त की गुलुकारी और आज की गुलुकारी में जो है आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? उस वक्त जो गुलुकारी थी बेसिकली शायरी जो थी, मैं शायरी से ही शुरू करूँगा, जो वहाँ उस वक्त के शोरा लिखा करते थे उसमें एक डिसप्लिन था, उसमें रबत था, उसमें सूफीज़म था, उसमें खुदा परस्ती थी। और फनकार भी ऐसे ही थे कि वो ऐसा ही कलाम गाते थे महफिलों में, मजलिसों में,
एक किस्म का डिसिप्लिन था और इस डिसिप्लिन के जरिए लोगों तक मौसीकी पहुंचाती थी, वो एक सबक हुआ करता था। आज भी है, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो चुका है। अलबत्ता जो आजकल इस यंग जनरेशन में जो ये मौसीकी का कल्चर फैलता गया, इसमें इन नौजवानों ने जो मौसीकी गाने के लिए पैटर्न जो अख्तियार किया, इसमें वेस्टर्न की बू आती है। और ये जो साज इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने कश्मीरी साजों को नज़रअंदाज किया, जो हमारी रवायती साज हैं, जो बहुत रिच हैं। हमारी दुनिया जो है कश्मीरी मौसीकी की, जो दुनिया है ऐसी दुनिया है, अभी भी दुनिया में इसकी पजीराई हो रही है। आपको इस तरफ ध्यान देना चाहूँगा कि यहाँ की दुनिया फिल्म इंडस्ट्री वालों ने भी इस्तेमाल की है। जैसा कि आपने सुना होगा राज बेगम की आवाज़ से, सुलहमा रोशे रोशे वलो म्यान पोशे मदनो सुलहमा। और जब महजूल फिल्म बनी तो उसमें इसी तर्ज पर, इसी ट्यून पर उन्होंने वो गाया, आजा आजा, वही वो एक हिंदी रिकॉर्ड उन्होंने कॉपी हुआ। इसके अलावा आपने सुना होगा पिछले कई सालों में बहुत मशहूर हुआ, बम्बरो बम्बरो शाम रंग बम्बरो क्या शुकायूत नालानो, ये ऑर्डिनरी कश्मीरी धुन है। बिल्कुल, ये आज से 40-45 साल रेडियो में रिकॉर्ड की गई थी और बहुत मशहूर हुई थी। तो आप अंदाजा कीजिए कि ये जो ऐसी दुनिया थी, जो सदाबहार दुनिया थी, तो अगर उनको भी ये दुनिया पसंद आई, उन्होंने अपनी फिल्मों में इन दोनों को इस्तेमाल किया, तो क्या वजह है हम अपने यहाँ के हमारे नौजवान अपनी दोनों को, रवायती दोनों को, जो हजारों की तादाद में यहाँ दुनिया मौजूद है इस वक्त, जो पिछले से ही यहाँ के बड़े बड़े फनकारों ने हमारे लिए तैयार रखे हैं और आज भी अच्छे फनकार ऐसी दुनिया बना रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि आजकल नहीं बनते हैं, लेकिन आजकल जो नौजवान पौध जो है, इन्होंने इसकी स्टेरिंग को तब्दील किया, ये जो रूट से हटाया, ये इसकी बदकिस्मती है। अब्दुल गफार साहब, आप वस्ती जिला बड़गाम की कहानी हमारे से ताल्लुक रखते हैं। इब्तिदा में अगर हम जाए तो आपने पहले ही कहा कि 1975 में आपने शुरुआत की, हाँ। तो घरवालों का सपोर्ट क्या रहा, और अगर आपको याद हो तो पहला गाना आपने जो रिकॉर्ड किया कौन सा था, वो जो कश्मीरी गाना आपने गाया? बेसिकली बहुत मुश्किलात आए हैं, घर में कुछ सपोर्ट करते थे, क्योंकि मेरी माँ उन दोनों बहुत हो चुकी थी, मैं छोटा बच्चा था, तो इस वजह से मुझे प्यार करती थी घर वाले। लेकिन मेरे चाचा जी इस खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं जाऊँगा रातों, तो मतलब नींद नहीं करूँगा, उसको मेरी सेहत का ख्याल था। बिल्कुल, इसलिए मैं उसके बगैर ही चोरी छुपे जाता था ऐसी जगहों पर जहाँ पर ये महफिलें लगती थी। बहुत वक्त, कई दफ़ा मैं खड़ों में गिर गया, पानी में गिर गया, ये तो होता ही रहता है। लेकिन 1974 में, 1974 में मैंने एक स्टेज पर पहली दफ़ा परफॉर्म किया। उन दिनों यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब सईद मीर कासिम साहब मरहूम थे, और बहुत बड़ा जलसा था, उसमें इलाके की एक डिमांड थी। डिमांड ये थी कि वहाँ मागम में एक कॉलेज हो, तो लोगों का ख्याल था वहाँ के वो उन बुजुर्गों ने, खासकर वहाँ उस वक्त के MLA साहब गुलाम कानियामी साहब ने हमें तैयार किया और स्टेज पर चढ़ाया। हमने ये गाया एक गाना, मैंने गाया, मतलब खड़ा होकर गाया, पकोन वनवस पन्नीस मदनस
भकोन वन वस पन नीस मदनस जाई जाई नाले जित शुन कॉलेज जाई जाई नाले जित शुन कॉलेज पाने ब मंग हस पन नीस मदनस। ये मेरी सबसे पहली पहली परफॉर्मेंस थी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब के सामने। तो उसके बाद मैं रेडियो कश्मीर की युवा वाणी सर्विस में आया अपने ग्रुप समेत। हमारे ग्रुप का नाम यूथ क्लब बटपोरा कान्यामा अब भी है वो। तो उसका सदर जो है गुलाम काजी भट हामी कश्मीरी, उन्होंने मुझको इस क्लब में लाया और शायर भी थे, उनका कलाम मैं गाता था, कंपोज करते थे हम वहाँ पर। तो हम युवा वाणी सर्विस में आए, उन्होंने हमें ऑडिशन लिया, तो ऑडिशन में हम पास हो गए। तो उसके बाद जब मैं जो गाने मैंने रेडियो कश्मीर की युवा वाणी सर्विस में गाए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे के सारे हिट हो गए और मेरी शोहरत हुई सारी कश्मीर में, जम्मू में, जहाँ जहाँ कश्मीरी लोग हैं उन्होंने रेडियो के ज़रिए, उस वक्त मोबाइल नहीं थे या ये इलेक्ट्रॉनिक शायद ये क्या कहते हैं इसको दूरदर्शन नहीं था, तो रेडियो ही था वाहिद ज़रिया लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे गाने हर घर में पहुंचे। तब तक लोग शाम को खाना नहीं खाते थे, ये मुझे पूरा याद है, जब तक ना वो गाने सुनते थे जो मैं कंपोज करता था और मैं गाता था। अल्लाह ताला का फजल है, साथ रहा है कि आवाज़ अल्लाह ताला ने मुझे पहले ही दे दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो कायम दायम है। तो सबसे पहले जो मैंने गाना गाया वो गाया मैंने युवा वाणी सर्विस से, करकू राज जकस करी हक स्वफा धरी नम हजरती हक। उसके बाद गाया मैंने बशीर दादा साहब का कलाम, दोह अक म्यून मकबर सजावक पानी पछतावक कुछ मज मीनी दगलल नावक पानी पछतावक। और तीसरा गाना गाया मैंने, मत त्राव तम कफम वन दानस पे वाय पत फेरी। और एक गाना गाया, अति रोज मदन वारो कदमन बोल गई परी। यानी ऐसे ऐसे गाने मैंने कंपोज किए, सब के सब हिट हो गए और लोगों ने कश्मीर में कोई वो जगह नहीं है गांव से लेकर शहर तक कि जहां मुझको न मधु किया गया हर जगह। तो मैं इसी फील्ड में लगातार घर नहीं आता था, सिर्फ लोगों में ही जाता था और लोगों में ही गाता था। और उसके बाद मैंने एक गाना, मैंने नात भी गाए हैं, या नबी छुप्स सरदार अली चान बरतल नेरैन खली, बहुत मशहूर हो गया है ना। इसी तरह मैंने एक गाना गाया 1986 में, वहाँ रेडियो की युवा वाणी सर्विस में मैंने वो रिकॉर्ड किया। उस वक्त वो म्यूजिक एक्टर जो था युवा वाणी सर्विस में, जनाब ये क्या कहते हैं इसको पीरजादा अब्दाल महजूद साहब, उन्होंने मुझे रिकॉर्ड किया। पहले वो माँ पर वो गाना था, हाय अस्त्री मोजी कुसुवन सार में हाय सब करना तम वल उश्वसान छीदार में। ओह कितना मकबूल हो गया लोगों में, कितना लोग रोते थे और बार बार ये गाना सुनते थे। और कुछ वक्त के बाद मैंने एक और गाना माँ पर गाया, वो है सहयू का नहीं वफादार मोजी मिनिश साई लवी समसार मोजी। ये मैंने खुद कंपोज किया है, अपनी धुन है ये मेरी, और 1986 में रिकॉर्ड हुआ है पहली दफा रेडियो में, रेडियो कश्मीर की युवा, और ये हजारों बार चला रेडियो पर। उसके बाद
यहाँ एक ऑडियो कंपनी थी रवि मैकर नगर, उसने उसके ऑडियो कैसेट बना दिए, वो था शायद 1987 और मेरे ख्याल में कश्मीर में कोई घर नहीं होगा जहाँ ये कैसेट न पहुँचा होगा। बहुत मशहूर और तब से आज तक एवरग्रीन है। मैंने इसको रेडियो में गाया, दूरदर्शन वालों ने मुझे इसकी मेरी रिकॉर्डिंग ले ली, ये जो जे एंड के कल्चर एकेडमी इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग ले ली और बहुत जगह ये परफॉर्म किया, यहाँ तक कि एक दफ़ा डॉक्टर फारूक साहब भी उन्होंने भी मुझे ढूंढा कि वही फनकार लाओ जो गाता है सही कहाँ कुछ मैंने वफादार मुझे, इसके भी अब 20-25 साल हो गए। कानेमी साहब कहीं ना कहीं जो आपके आवाज़ की खूबसूरती या मिठास की झलक आज भी देखने को मिलती है जब भी आपने अभी गाया, इससे 1975 से 2022 तब कैसे गाते थे आप और आज कैसे गाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जो हमारे व्यूवर्स हैं देखने वाले हैं उनको आगाह कीजिए। अच्छा सवाल किया। उन दिनों में जवान था, नौजवान था, मेरे जज्बात थे, मैं अपनी तरफ से एज अ ग्लोकार लोगों तक नौजवानों तक मैसेज पहुंचाना चाहता था और कौन सी मैसेज, तहमीली मैसेज। एक दफ़ा मैंने तालीम पर गाना कंपोज किया, अभी भी मुझे याद है और उस वक्त के लोग उनको भी याद होगा, तालीम पर सज़मींदारा है काशकारा है, तालीम पर सज़मींदारा है काशकारा है, अली गनी बेसतारा मदरसोस तक है, अली गनी बेसतारा मदरसोस तक है, तालीम पर थी बनन हुशारा है काशकारा है, उस सकूत वोत असम सारा जोन पेट खतना है, आराम से ट्रांगनामा वारा है काशकारा है। ऐसे बहुत गाने गाए मैंने, हाँ, ऐसे मैसेजेस हुआ मैसेज हुआ करते थे लड़कियों, मतलब हमारी जो समाज की बेटियां हैं उनके लिए मैंने बहुत गाना गाए, ऐसे गाने हैं जो तैमीरी थे जिनमें अखलाकियात मौजूद थे, अच्छा दरी वसी वसी वरु कुन गसिरच करी दसगीर पनुन इनई वरी गरी असी याद करक रज रोज नई पीरान पीर पनुन कर कुरज डकस करी हकस वफा धरी नमी हजरती हकस। ऐसे गाने गाए मैंने, एक नसीहत होती थी जो नसीहत होती थी। और आजकल जो आजकल मैं दरअसल वो उम्र के लिहाज से स्टेज अब चेंज हो गया है, तो अब मैं इस सूफी ख्याल का बना हुआ हूँ, अब मैं सूफी महफिलों में पीर फकीर के महफिलों में जाता हूँ और वहीं सूफी कलाम गाता हूँ, शमस फकीर न्याम सचकार अहमद बटवारी साहब, रहमान डार साहब, माजूद साहब, आज़ाद साहब, महमूद गामी साहब, रसूल मियां साहब, आज ऐसे गाने गाता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि ऐसे गाने भी गाता हूँ जो अभी भी समाज को ये जो जिंदा कर, लेकिन क्या वजह है, क्या इसके बगैर उम्र का तकाजा अगर हम बात करें उसके बगैर भी कोई वजह है कि आपने जो पाथ है कहीं ना कहीं वो चेंज कर दी कि आप अब सूफी गाना जो है वो गाते हैं जहाँ पसंद करते हैं उनको? मैं दोनों किस्म के गाने गाता हूँ अब भी, ऐसी बात नहीं। हाँ, रोमांटिक भी गाता हूँ, रोमांटिक सॉन्ग्स भी गाता हूँ और ये जो सूफी गाने भी गाता हूँ, और मैंने पैट्रियाटिक सॉन्ग्स भी गाए हैं, बहुत किस्म के गाने गाए हैं, ऐसी बात नहीं, हर किस्म के गाने गाए हैं मैंने। कानियामी साहब, अगर हम आज के यूथ की बात करें तो वो जो हमारी मीरास हुआ करती थी जैसा कि आपने अभी कहा, वो उस मीरास से कहीं ना कहीं हटता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक वक्त यहाँ भारत और पाकिस्तान के दरमियान वर्ल्ड कप चल रहा था, पता नहीं वो कौन सा साल था, लेकिन वो उन प्लेयरों के नाम मुझे अभी भी याद है, गवास्कर सर है, मियांदा थे, और क्या कहते हैं अजहरुद्दीन थे, उस वक्त इमरान खान शारजा में चल रहा था मैच, लोगों की तवज्जो उस तरफ थी, यह मैंने गाना गाया, गाना मैंने रिकॉर्ड किया,
सोरी आलम छु गोमू देवानै हो देवानै वल्ला क्रिकेट मैच उछव जानानै हो जानानै कुनी कपिल देव इमरान रिचार्ड प्याव कुनी गवास्कर मियां दाद जीनीत गव कुनी मार्शल ते गव अथ मूरानै हो मूरानै वल्ला क्रिकेट मैच उछव जानानै हो जानानै चोन भारत चोन छु पाकिस्तान मजूर सुंद बैठत आव अनजान छक म्यों खुत तहंद पट आसमानै हो आसमानै वल्ला क्रिकेट मैच उछव जानानै हो जानानै। उन्हीं दिन टू टीवी वाले ने मुझे बुलाया और ऐसा ही गाना रिकॉर्ड करवाया, लेकिन दूसरा गाना माज हुंद राजा गिंद ने द्राव क्रिकेट मैच लोग टीवी त्राव तला तला अजहर दीन हा क्रिकेट मैच लोग टीवी त्राव। यानी ऐसे अट्रैक्टिव सॉन्ग्स में रिकॉर्ड करता था, गाता था, जो नौजवानों में अट्रैक्शन पैदा होती, कशिश पैदा होती थी। मेरा ये ज़ाती मकसद था कि यहाँ के हमारे कश्मीरी नौजवान जो हैं ये अपनी जबान की तरफ रागिब हो, लेकिन आज ऐसा कहीं ना कहीं वो छूटा हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपनी अपनी मौसीकी, अपनी साजों, अपनी अपनी ये जबान के बारे में इन्हें पूरी जानकारी मिले, और हुआ भी इसमें बहुत हद तक कामयाबी हुई। बहुत नौजवान आए हमारा सुनते थे, सुना करते थे, सब नौजवान आए, और नौजवान इस फील्ड में, यही वजह है कि आजकल भी नौजवान इस फील्ड में आए हैं या मौसीकी के फील्ड में आए हैं। लेकिन आपने पहले सवाल किया कि नौजवानों को किस तरह क्या करना चाहिए, नौजवान को इसकी स्टेजिंग चेंज नहीं करनी चाहिए। जो कल्चर है हमारा, जो तमदन है यहाँ का कश्मीर का, ये बहुत रिच है, बहुत अमीर है। इसको किसी गैर अलग की मिलावट नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप सुनते होंगे पंजाब के जो गाने हैं, आर्टिस्ट तब्दील नहीं करते हैं, और वर्ल्ड में मशहूर है पंजाबी गाने, पंजाबी दुनिया, ठीक है कि नहीं। मैं यही वजह है कि ये जो नौजवान जो है ये मतलब ये इसको लाइटली लेते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। ये किसी फिल्मी गाने को फिल्मी गाने को इस्तेमाल करके इस पर ये कश्मीरी गाने को ठूसते हैं। और ऐसे ऐसे शायर भी है यहाँ पैदा हुए हैं जिनको मैं कहते हैं नाम निहाल शायर। वो शायर सही शायर नहीं है, वो कलम उठाते हैं और लिखते हैं और पैसे खर्च करके ही रिकॉर्ड करवाते हैं इन छोटे छोटे गुलोकार जो आजकल के गुलोकार आए हैं, जवान साल आए हैं, उनकी जबान से रिकॉर्ड करवाते हैं, फिर डालते हैं इस यूट्यूब में, मीडिया में, इसमें डालते हैं, नेट पर चलता है। जैसे कि आपने कहा, और इससे जाहिर ये होता है कि आप मशहूर रह चुके हैं इस फील्ड में और आपने काफ़ी सारे गाने गाए हैं। इसके साथ साथ अगर हम यूथ की बात करें, यहाँ पर यूथ जो है या जो जिन्होंने आपको सुना है या जो अभी भी सुनते हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी आज तामिल इरशाद के थ्रू? मेरी मैसेज ही है, और मैं बार बार ये कहता हूँ जब भी मेरा कहीं इंटरव्यू हुआ करता है तो मैं इन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे बच्चों आप ऐसा करो, आप आओ इस फील्ड में, गाओ, पहले सीखो और कलाम पढ़ाओ। कलाम की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जो कलाम समाज तक पहुँचेगा ये सबक आमोज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसमें बद अखलाकियत हो, इसमें गैर अखलाकियत हो, जैसा कि हुआ भी। मतलब आम लोगों में जो गाना गाता है, मिसाल के तौर पर मोहब्बत एक तीर मौला, कहीं किसी ने गाया मोहब्बत एक तीर मौला यहाँ गई जाई जवान, ऐसे गाने, फैश गाने, ये नहीं। कश्मीरी कल्चर जो है, कश्मीरी लोग जो हैं, ये सूफी मिजाज के हैं, ये गाना सुनना चाहते हैं लेकिन किसी दायरे में रहकर। यहाँ हमारे हिंदू भाई भी गाना गाते, ये मतलब गाते थे और सुनते थे, आज भी सुनते हैं, लीलाएँ सुनते हैं, यहाँ नात सुनते हैं लोग, सूफी कलाम सुनते हैं, क्योंकि सूफी कलाम में जो एक मियार होता है, लोगों तक वही पहुँचना चाहिए।
आपको ऐसा लगता है कि जो भी फॉर्म्स इसके लिए बनाए हो, चाहे वो कल्चरल एकेडमी हो या कोई और फॉर्म हो, वो इसको किस हद तक अभी जो है प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं इस कल्चर को जो कहीं ना कहीं सदियों पहले हुआ कर रहा था, क्या वो इसमें कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या ख्याल है आपका इस? बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ तक मेरी नॉलेज का ताल्लुक है, जो मुझे पता है, ये रेडियो ही है, यहाँ रेडियो कश्मीर जिसे कहते थे और आजकल कहते हैं ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर, इन्होंने इसका मियार बरकरार रखा। रेडियो में ऐसा ही कलाम अप्रूव किया जाता है जो मियारी होता है, जिसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आवाम को ज़रूरत होती है, उसमें स्टैंडर्ड होता है, और उन्हीं फनकारों को वो गाने की इजाज़त देते हैं जो मियारी फनकार होते हैं, जिनसे कश्मीरी मौसीकी, कश्मीरी कल्चर को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। रेडियो वही इदारा है, हमारे यहाँ का रेडियो, जिन्होंने इसका मियार बुलंद रखा। और आज भी जब उनके आर्काइव से रिकॉर्ड किए हुए गाने, हम मतलब आज से 40-45 साल पहले जो रिकॉर्ड किए गए, और तब से अब तक इन्होंने बराबर इसका स्टैंडर्ड बरकरार रखा, इसका मियार रखा। और दूरदर्शन ने भी ऐसा ही किया, ये दो इदारे हैं। लेकिन जहाँ तक रियासती कल्चर अकेडमी का ताल्लुक है, मैंने पहले भी वहाँ कई मीटिंगों में कहा है, उनसे रिक्वेस्ट की है, चूँकि हमारी एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, हमने ऑर्गेनाइज किया 1998 में, उसको कहते हैं कश्मीर ग्लोकार सोसाइटी, उसमें मेरे बहुत सारे सीनियर फनकार शामिल हुए, और कुछ एक कई एक जो अब दुनिया में नहीं है, इमाम शेख साहब थे, गुलाम अहमद सोफी साहब थे, इमाम सुल्तान बट साहब थे, अब वो दुनिया में नहीं है, मौजूद हैं, लेकिन वो आए। हमने बार बार इस पर तज़किरा भी किया और तलकिन भी की कि ये जो अगर हम फनकार कोई कलाम गाए तो मियारी होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उसके लिए एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो तो उसको परखे, जो उसको परखे, और तब उसको रिकॉर्डिंग की, किसी फनकार को रिकॉर्डिंग के लिए इजाज़त दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। एक किस्म का यही, मैं क्या कहूँगा इसको, कोई पूछने वाला नहीं है। सोशल मीडिया का आज क्या रोल है? जैसा कि आप देखते हैं, कोई भी सिंगर बन जाता है, कोई भी गुलकार बन जाता है, खुद ही रिकॉर्ड करके वो सोशल मीडिया पे, चाहे मैं आपको एक मिसाल दूं, फॉर्म्स हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, और उस पर उसको अगर गाना उसका हिट हुआ तो उसको शोहरत मिलती है और उसको एज गुलकार जो है माना जाता है, इस पर आपका क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है, और मैं ये वसूख से कहूँगा कि यहाँ अब चोरों की बहुतात है इस फील्ड में। ये नहीं कि गाने वाले ही हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता है, बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं दरबार लगाते हैं। मैं मिसाल देता हूँ अपनी, 1986 में मैंने गाना कंपोज किया, सहू कहाँ नहीं वफादार मोजी मैं लवी समसार मोजी, रेडियो में भी मौजूद है, टीवी में भी मौजूद है, रियासती कल्चर एकेडमी में भी मौजूद है, और उस वक्त के ऑडियो कैस्ट में अभी भी मौजूद है, और यूट्यूब में भी मौजूद है अभी मेरी आवाज़ में। लेकिन कोई फनकार आ गया, उसका क्या मकसद था, कहीं हाथ फैलाता था पैसों के लिए, तो उसने रबाब अपने कंधों पर रखा तो बैठा कहीं रास्ते में, उसने कुछ देखा सहयू का वफादार, उसको मस्त कर दिया, उस कलाम को भी मस्त कर दिया और इस धुन को भी मस्त कर दी। लेकिन आपका गाया हुआ है ओरिजिनल? हाँ हाँ हाँ, ओरिजिनल है, मैं वसूल से कहता हूँ, मैंने इसके लिए आवाज भी उठाई। देखिए यहाँ के लिए दरअसल यहाँ माहिर हैं लोग किसी की पगड़ी उतारने में और दूसरे के सर पर रखने में, उसको उसकी रिकॉर्डिंग ले ली गई और उसको मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में
सोशल मीडिया में उन्होंने उसको हिट किया, उसको दुनिया में फैला दिया। लेकिन अगर देखेंगे वो शायर भी ना, जिसने वो लिखा है अनजान कश्मीरी, वो भी परेशान हुआ, जो उसने लिखा था उस कलाम को भी मसख कर दिया है। कल भी मैंने गवर्नर साहब के सामने वो गाया टैगोर हॉल में, जिस पर मुझे अवार्ड मिल गया। अगर आपने भी सुना होगा, आप उसके वो अल्फाज देखें और वो धुन देखें, कैसा मैंने गाया, किस तरह मैंने गाया, किस तरह वो पॉपुलर हो गया। और 1986 से आज तक वो जिंदा है, और जहाँ दुनिया में कश्मीरी लोग हैं, कश्मीरी जबान बोलते हैं, सुनते हैं, और सब उन्हें इसको सुना होगा, सुना और अप्रिशिएट किया। लेकिन ऐसे नकाल निकलते हैं जो किसी के एहसास को लूटते हैं। आपने अभी जो खूबसूरत गाने की बात की, चलते चलते उसके कुछ लाइन्स जो आपने रिकॉर्ड कराया था, उसी अगर हम बात करें उसी धुन में आप यहाँ पर अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको सुनाना चाहे। सहयू काम नहीं वफादार मोजी मिनिश साईलाई संसार मोजी वंदै सर चपादन थाउं गोश नादन छकै पोश फत फती हलमदार मोजी मिनिशन साईलाई संसार मोजी चलजी दोहशुब फनी सरायेस करित पद अवलियात अवतार मोजी मिनिशन साईलाई संसार मोजी। अब्दुल गफ़ार कानी हामी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे अब्दुल गफ़ार कानी हामी साहब। इन्होंने काफ़ी सारे गाने जो हैं रिकॉर्ड किए हैं, चाहे हम रेडियो की बात करें या दूरदर्शन की बात करें। इसके अलावा इन्होंने कुछ स्टेज परफॉर्मेंसेस भी की हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और शख्सियत से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।